हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सेवन चैप्टर ऑफ थर्ड यूनिट। इसमें हम पढ़ेंगे 1857 का रिवोल्ट, जिसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अपने जो स्कूलिंग टाइम था उसमें भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1857 की क्रांति। सबसे पहले इसका हम कॉज पढ़ेंगे कि इसके रीजन क्या था, किन किन वजह से ये आपको 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है। ये सब सारे आपको जो यहाँ पर अभी देखने को मिलेंगे, ये लॉन्ग टर्म कॉज है। इसका इमीडिएट कॉज जो था वो दूसरा था, उसको भी हम देखेंगे इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले, इमीडिएट कॉज से पहले, ये कुछ लॉन्ग टर्म कॉज हैं जो कुछ सालों से, करीब 50-60-70 सालों से चले आ रहे थे, जो पॉलिसीज अंग्रेजों की, उनके वजह से आपको ये रिवोल्ट देखने को मिला। तो इसमें जैसे कि पॉलिटिकल कॉजेज होते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज हैं, कुछ सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज हैं, सोशियो रिलीजियस कॉजेज हैं, कुछ आउटसाइड इवेंट्स की वजह से ये होता है, ठीक है। ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। तो ये सब है ना, इसमें ये चीज़ें कि आप ब्रिटिश के बारे में जितनी, उनके जितने भी ड्रॉबैक था वो सारे के सारे लिख दीजिए, सब सही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉजेज, जनरल टर्म्स, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। हैवी टैक्सेशन, टैक्स बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। फिर जो मनी लेंडर्स या ट्रेडर हुआ करते थे वो हाई रेट्स पर लोन दिया करते थे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, इसकी वजह से अब अगेन क्या होता, जो पीजेंट या फिर जो फार्मर्स हुआ करते थे वो अगर लोन को चुका नहीं पाते थे तो उनसे उनकी ज़मीन ले ली जाती थी, छीन ली जाती थी, ठीक है। तो वही इविक्शन ऑफ पीजेंट्री फ्रॉम द लैंड्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट ड्यूज। साथ ही साथ रूरल इंडेबटनेस, जो कहते हैं ना इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कि जो गरीबी या फिर जो कहते कर्जा, लोन, ठीक है, ये बढ़ने लगा गांव में। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, लेकिन डेब्ट का मतलब होता है वही, जो कर्जा होता है ना, ऋण जो होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बढ़ने लगता है गांव में। मेजर टू आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट पीपल। अब ये क्या था कि जो किंग लोग हुआ करते थे या बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वहां पर इन लोगों को पेट्रोनोज मिलता था, इन लोगों को संरक्षण मिलता था, और इस तरीके से ये आप देखेंगे हैंडीक्राफ्ट या आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट होता था। उन लोगों का डिक्लाइन होने के बाद ये लोग भी अनएम्प्लॉयड हो गए। डिस्करेज्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड प्रमोटेड ब्रिटिश गुड्स, और उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट किया। जो इंडिया में हाथ से बनाए जाते थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो होते थे, उनको डिस्करेज किया गया, और जो ब्रिटिश में बने हुए मशीन गुड्स होते थे उनको प्रमोट किया गया। कैसे, आप देखेंगे कि जो इंडियन मेड गुड्स हुआ करते थे उन पर हाई टैरिफ लगाई जाती थी, यानी टैक्स। तो जो जिस प्रोडक्ट पर आप टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। वहीं ब्रिटिश से जो आने वाली ब्रिटिश गुड्स हुआ करते थे वो लो टैरिफ हुआ करती थी या फिर नहीं होती थी, तो वो सामान सस्ता हो जाता था। तो डेफिनेटली जो सामान सस्ता है वही बिकेगा, ठीक है। जमींदार लोग, अब इसमें इनका ये भी रूल हुआ करता था ना कि जो जमींदार टैक्सेस नहीं पे कर पाते थे टाइम पर, उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो ऐसे जमींदार जिसको डिसबैंड कर दिया गया उनकी जमींदारी से, दे लॉस्ट देयर स्टेटस इन विलेज में उनकी स्टेटस कम हो गई। साथ ही साथ देखेंगे कि जो इंडियन इंडस्ट्री था वो रियून हो गया, वो बर्बाद हो गया। इसकी वजह से जो लोग बेरोजगार हो गए इंडियन इंडस्ट्री के खत्म होने की वजह से, अब उन्होंने माइग्रेट किया किस तरफ, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या एग्रीकल्चर लैंड की तरफ। तो जब एग्रीकल्चर लैंड की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ने लगा एग्रीकल्चर लैंड पे, और कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ब्रिटिश करते नहीं थे एग्रीकल्चर को लेके, तो इस वजह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इकोनॉमिक कॉजेस हैं। उसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेस। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीडी पॉलिसीज ऑफ कंपनी, यानी कि लालच भरी नीति कंपनी की। इसका मतलब ब्रोकन प्लीजेस एंड प्रोमिसेस एंड लॉस ऑफ पॉलिटिकल प्रेस्टीज। आपको ये पता होगा कि जो ये ब्रिटिश थे, ये किसी से इनका वार होता था तो वो ट्रीटी करते थे, लेकिन ये ट्रीटी को खुद तोड़ते थे वार करने के लिए। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर इनका जो प्रेस्टीज था वो धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। ये वही चीज है, ग्रेटेस्ट पॉलिसीज ऑफ कंपनी ब्रोकन प्लीजेस एंड प्रोमिसेस। इसका मतलब क्या, ये ट्रीटी को तोड़ते थे, जो इन्होंने कहा था उससे ये मुकर जाते थे। इस वजह से ये इनका पॉलिटिकल प्रेस्टीज जो था ये लोगों के बीच में कम हो गया या फिर खत्म हो गया। इसके बाद कुछ
पॉलिसीज हुआ करती थी इनकी जो लेके आते थे, जैसे इफेक्टिव कंट्रोल पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत पिछले चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये पॉलिसीज क्या थी, ये पॉलिसीज मेनली थी किस तरीके से हमें टेरिटरी को एक्वायर करना है, टेरिटरी को कैप्चर करना है, उनको अपने कब्जे में किस तरीके से लेना है, ये उनके लिए पॉलिसीज बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जो रूरल थे उनका कोलैप्स होने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जो आर्टिशंस हुआ करते थे ये उनके दरबार में रहा करते थे, लेकिन रूरल के जो रूलर्स थे, किंग्स थे, उनके कोलैप्स होने के बाद ये लोग भी बेरोजगार हो गए। तो कल्चरल एंड रिलीजियस परस्यूट जो था ये आपको डिक्लाइन करता हुआ नजर आया, ठीक है। इसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, करप्शन, रैम्पेंट करप्शन हुआ था कंपनी में, कंपनी की जो अपनी ट्रेडिंग चीजें होती थी या ट्रेड जो करते थे, व्यापार करते थे, उनके साथ साथ वहां के जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे कंपनी के, वो अपना पर्सनल व्यापार भी करते थे। तो अब डेफिनेटली पर्सनल व्यापार पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब इसके लिए वो क्या करते थे, जो किंग हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, उनको वो घुस भी देते थे, या फिर जब वो ज्यादा पावरफुल हो गए ये लोग, तो ये इंडियन नेटिव से भी ब्राइब्स लेने लगे, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गिफ्ट्स, ऑफर्स, अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या था कि कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इम्पार्टेड अ फॉरेन एंड एलियन लुक टू इट इन द आईज ऑफ इंडियंस। जैसा कि हमने देखा कि जो मुगल आए थे यहाँ पर, मुगल यहाँ आए तो वो यहीं आके यहीं के हो गए, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के जो ट्रेडिशंस थे उसको अडॉप्ट किया, या फिर उनका कल्चर और इंडिया का कल्चर मिक्स होके एक मिक्स कल्चर बन गया। लेकिन ब्रिटिश जो थे यहाँ रहने नहीं आए थे, ये यहाँ पैसा कमाने के लिए आए थे और जितना से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता था वो करने के लिए आए थे, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो कैरेक्टर था, इनकी जो एक इमेज थी इंडियंस के नज़र में, वो क्या थी, एक फॉरेन एंड एलियन लुक वाली थी, कि ये फॉरेनर है, ये विदेशी है, आए हैं और चले जाएंगे, जैसा कि मुगल के साथ ऐसा नहीं था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सोशियो रिलीजियस कॉजेस, रेशियल ओवरटोन एंड सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स। ये लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे कि हम गोरे हैं तो हम क्या है, इंडियन नेटिव से क्या है, सुपीरियर हैं, उच्च दर्जे के हैं, हमारी क्वालिटी जो है उच्च दर्जे की है, हमारी रेशियल जो कॉम्प्लेक्स, ये क्या कहते हैं, बेनिफिट्स, या फिर उसको एक सर्वोच्चता, सुपरियरिटी जो है, ये क्या है, इंडियन नेटिव से ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर रूल कर सकते हैं और इंडियंस को रूल करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, इन्होंने, ये लोग आए इंडिया में इंडियंस को क्रिश्चियन बनाने के लिए। अब तो इंडियन चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम लोग रिलीजियस चीज़ों को लेके इतना कंसर्न रहते थे कि हमें कोई बदल ही नहीं सकता, हाँ बाई फोर्स अगर बदल दे तो वो अलग बात है, तो बाई फोर्स बदले जाते थे लोग, आपको पता ही हो। फिर कुछ देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आए, जैसे कि एबोल्यूशन ऑफ सती के लिए कानून बना, विडो रीमैरिज एक्ट के लिए कानून बना, वीमेन एजुकेशन के लिए कानून बना। तो अब ये क्या था कि इंडिया सोसाइटी में ये सब इतना फेमस नहीं था, तो ये जब ये लोग रिफॉर्म लाने शुरू किए तो इसके विरुद्ध भी आवाज आपको उठती हुई नजर आएगी। टैक्स ऑन मॉस्क एंड टेम्पल एंड्स, जो मंदिर मस्जिद हुआ करते थे उन पर टैक्स लगाए जाते थे। फिर एक एक्ट आया था, रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट 1856। इसमें आप देखेंगे कि हिंदू कस्टम्स, यानी हिंदू जो ट्रेडिशन था, उसके जो कुछ रिलीजियस रूल्स थे उनमें चेंजेस लाए गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको रिवोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, जैसे कि पंजाब वार हुआ, अफगान के साथ वार हुआ, क्रीमिया वार हुआ, ठीक है। इन सब में देखेंगे कि जो ब्रिटिश थे इनका बहुत लॉस हुआ, तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ इंडियंस के ऊपर, कि जैसे ही सुप्रीमेसी कहते हैं कि हम लोग सुप्रीम हैं और हम लोग रूल करने के लिए आए हुए हैं, तो इंडियन का माइंडसेट भी ऐसा था कि वो समझते थे कि ब्रिटिश को नहीं हराया जा सकता है। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसे उनको लगा कि नहीं, इनको भी हराया जा सकता है, ठीक है, इस वजह से भी आपको ये रिवोल्ट देखने को मिलेगा। तो यानी एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट यहाँ इंडियंस के दिमाग में क्रिएट होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉज है, उसके बाद देखेंगे कि कैसे 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है और किस तरीके से क्लाइमेक्स पर जाता है और किस तरीके से सप्रेस कर दिया जाता है।
ठीक है। इसके बाद है डिसकंटेंट एमोंग सिपॉयस, यानी कि सिपॉय जो थे, सिपाही जो थे, सोल्जर जो थे, उनके अंदर कैसे आपको इस तरह की फीलिंग जनरेट होती है कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। एक तो सर्विस कंडीशंस बहुत बुरी थी, चाहे वो खाने की चीजें हो या फिर रहने के लिए जगह हो, ठीक है। और इस कभी कभी आपको रिलीजियस बिलीफ की वजह से भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था, जैसे कि हमने देखा कि कटरेज जो हुआ करता था बीफ और जो पीग मीट का बना हुआ होता था, साथ ही साथ आप जैसे कि वेलोर वाली म्यूटनी में आपने देखा होगा कि पगड़ी हटा के उनको लेदर वाला हैट पहनना था, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जैसे कि आपको सी क्रॉस करना था जो हिंदू के रिलीजन के खिलाफ था, तो इन सब वजह से आपको ये रिवोल्ट देखने को मिलेगा। अगेन रिस्ट्रिक्शन ऑफ वियरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि पगड़ी वगैरह हुआ करती थी या फिर दाढ़ी रखना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी अंग्रेजों को। उनका कहना था कि आप वेल एकदम सेव्ड होने चाहिए, ठीक है, इन तरह की चीजें। फिर 1856 में आप देखेंगे जो लॉर्ड कैनिंग थे, यहाँ पर जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट, इसके तहत कहा गया कि जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उनको इंडिया के अंदर भी रखा जा सकता है या फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम इंडिया से बाहर भी भेज सकते हैं। ये वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है हिंदुओं के लिए, जिसमें हिंदू के रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि हमें जो सी है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, इससे हमारा धर्म जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों की वजह से आपको असंतोष फैलता है। साथ ही साथ सैलरी कंपेयर टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट, सेम पोस्ट पर सैलरी में भी आपको देखने को मिलेगा समानता, इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। देन अगेन फॉरेन सर्विस अलाउंस ये नहीं मिलता था, जो कहते हैं ना कि जो अलाउंस मतलब भत्ता जो होता है, विदेशी भत्ते नहीं मिलते थे, क्योंकि इस समय देखेंगे सिंध और पंजाब वाला जो रीजन था वो ब्रिटिश इंडिया से बाहर आता था, ठीक है। तो वहाँ पोस्टर सिपोज थे, उनको फॉरेन अलाउंस मिलना चाहिए था लेकिन वो नहीं मिलता था इस वजह से भी। साथ ही साथ देखेंगे कि आप 1856 के आसपास में जब अवध को एनेक्स कर लिया गया, इससे अवध, इससे पहले जो अवध था वो सब्सिडरी लैंड्स के अंडर में था, लेकिन 1856 के आसपास में अवध को एनेक्स कर लिया गया और मैक्सिमम बहुत सिपोज जो रहने वाले थे वो अवध के रहने वाले थे, इस वजह से उनको गुस्सा आई। एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियन सिपोज कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सुपेरियोरिटी। तो कहना था ना कि अंग्रेजों का कि हम अच्छी नस्ल से बिलोंग करते हैं, हमारी रेशियल जो चीज़ें हैं ये काफ़ी उच्च क्वालिटी की, हम सुपीरियर हैं, इसलिए हम बने हुए हैं इंडिया पर रूल करने के लिए और इंडियंस जो हैं वो रूल करने के लिए नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिस वजह से आपको सिपोय के अंडर में या सिपोय के अंदर आपको इनइक्वालिटी क्रिएट करती थी और रिवोल्ट का कारण बनी, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग टर्म कारण थे जो चले आ रहे थे 50-60-70-80 सालों से, लेकिन इमीडिएट रीजन कौन था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ, उसके दो रीजन थे। एक रीजन था मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा जिससे रोटी बनती है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, ठीक है। तो जो फ्लोर था, आटा था, इसमें बोन डस्ट, बोन मतलब क्या होता है, हड्डी, हड्डी के डस्ट मिला के बने वो आटे तैयार किए जाते थे, आटे में मिलाया जाता, मिक्स किया जाता था, इस वजह से आपको असंतोष फैला। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, इसमें यह था कि इसमें जो कार्ट्रिज हुआ करता था यानी कारतूस हुआ करता था उसमें एक लेदर लगा हुआ करता था, वो लेदर जो था वो बीफ और पिग मीट का बना होता था। बीफ मतलब किसे कहते हैं, शायद काउ या गाय के जो मीट होती है उसे बीफ कहते हैं, तो ये हिंदुओं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और जो बीफ मीट था, सॉरी जो पिग था, ये मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इस वजह से इन दोनों ने उस कार्ट्रिज के इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये दो इमीडिएट रीजन थे जिनकी वजह से 1857 का रिवोल्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ये रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ होता है, ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है मेरठ में, कब, 10 मई 1857 में। लेकिन इससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं सिपोई के बीच में, वो क्या थी, आप देखेंगे कि फरवरी 1857 में जो 19th नेटिव इन्फेंट्री थी जो बेरहमपुर में थी, इन्होंने क्या किया कि जो नया ये इनफील्ड राइफल था इसको यूज करने से इनकार कर दिया। फिर आप देखेंगे कि 34th NI मतलब नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है,
फिर 34th नेटिव इन्फेंट्री में, जिसमें मंगल पांडे हुआ करते थे बैरकपुर में, इन्होंने भी क्या किया, अपने ऑफिसर को मार दिया, बाद में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि उसी तरह के 7th रेजिमेंट 3 मई को इन्होंने ऑफिसर्स की बातों को मानने से इनकार कर दिया। फिर वही 24th अप्रैल 1857 में देखेंगे मेरठ में जो 3rd नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने ये जो कार्ट्रिज था इनफील्ड वाला, इसको यूज करने से मना कर दिया। ठीक है, इस वजह से जो ये मेरठ में 3rd नेटिव इन्फेंट्री थी, इस वजह से क्या हुआ कि 9 मई को इनमें से करीब 85 सिपाही को डिसमिस कर दिया गया और उन्हें 10 सालों की जेल दे दी गई। ठीक है, इस वजह से काफी आक्रोश फैला और अगले ही दिन 10 मई 1856 को मेरठ में ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है जो हमने पहले यहाँ देखा। रिवोल्ट बिगिन एट मेरठ 1857 not 6। ठीक है, तो इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, जिन लोगों को 10 सालों की सजा हुई थी उनको आजाद कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने अपने ऑफिसर्स को मार दिया, इन्होंने रिवोल्ट की आगाज कर दी कि हम यहाँ से रिवोल्ट करते हैं। उसके बाद एक नारा दिया गया, दिल्ली चलो। ठीक है, और ये शाम होने से पहले ही दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली पहुंचते हैं तो यहाँ पर बहादुर शाह जाफर जो थे, इनको प्रोक्लेम एट द इम्परर ऑफ इंडिया, और इनको इंडिया का इम्परर बना दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये अब बुढ़े हो चुके थे, अब सक्षम नहीं थे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इनको बस एक सैंबल के रूप में रखा जाता है कि इम्परर ऑफ इंडिया कौन है, तो बहादुर शाह जफर एक सैंबल के रूप में वो रहते हैं। जो फार्मर्स थे, आर्टिशंस थे, शॉपकीपर्स, जमींदार, रिलीजियस, मेडिकेंट्स यानी जो प्रेस्टी क्लास के लोग हुआ करते थे, वीमेन, हर लोगों ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। क्या किया इन्होंने, डिस्ट्रॉय मनी लेंडर्स अकाउंट्स बुक, जो मनी लेंडर हुआ करते थे उनकी जो बही खाते होते हैं ना, अकाउंट बुक्स होते हैं जिनमें वो रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना किसको उन्होंने लोन दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डेप्ट रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए। ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स होते थे उन पर अटैक किया, ब्रिटिश के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते थे या रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे उन पर अटैक किया। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें चल रही थी, इस तरीके से सब चला। अब जैसे हमने कहा कि जो बहादुर शाह जफर थे ये तो सैम्बल्स हैं यानी कि रियल इम्परर, लेकिन ये अब तो बुढ़े हो चुके थे और ज्यादा कुछ अभी कर नहीं सकते थे। लेकिन जो सिपाही कमांड किसके अंडर में था, किसके अंडर में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, उनका नाम था जनरल बख्त खान। ठीक है, रियल कमांडर ऑफ सोल्जर्स कौन थे, जनरल बख्त खान, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ नाम है जिन्होंने कुछ अलग अलग रीजन में रिवोल्ट स्टार्ट किया, इनमें कौन थे, नाना साहब जिन्होंने कानपुर में, ठीक है, बेगम हजरत माल जिन्होंने लखनऊ में, खान बहादुर जिन्होंने बरेली में, कुंवर सिंह जिन्होंने आरा में, आरा में बिहार, मौलवी अहमदुल्ला जिन्होंने फैजाबाद में, और रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी में, जिनको ज्वाइन किया था तात्या टोपे ने। ठीक है, यहाँ पर तात्या टोपे ने भी रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। ठीक है, तो इस तरीके से रिवोल्ट का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं सप्रेशन रिवोल्ट किस तरीके से सप्रेस किया जाता है। धीरे धीरे जितने भी लीडर थे जिनके अंडर में अलग अलग जगहों में रिवोल्ट हुआ, धीरे धीरे उन सबको सप्रेस कर दिया जाता है। सबसे पहले दिल्ली को कैप्चर किया जाता है 20 सितंबर 1857 में। उसके बाद जो बहादुर शाह जफर थे जिनको इंडिया का इम्परर बनाया गया था, उनको रंगून भेज दिया जाता है और रंगून में 1862 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और फिर देखेंगे सर कॉलिन, इन्होंने कानपुर को कैप्चर कर लिया। कानपुर को कैप्चर करने की वजह से आप देखेंगे कि नाना साहब जो थे ये नेपाल भाग जाते हैं और उसके बाद ये कभी दिखाई नहीं देते हैं, इनका पता ही नहीं चलता है कि फिर ये कहाँ गए। ठीक, फिर तात्या टोपे थे, ये सेंट्रल इंडिया के जंगल में चले गए, लेकिन फिर इनको पकड़ा गया जब ये सो रहे थे, उस समय पकड़ लिया गया और फिर इनको मार दिया गया। तो इनको पकड़ा कैसे गया, इनके एक मित्र थे, उन्होंने इनके साथ धक्काबाजी कर दी, उन्होंने ब्रिटिश को बता दिया कि ये यहाँ पर है और ब्रिटिश ने जाके पकड़ लिया। हम इंडियंस भी महान थे, हम गुलाम इसी वजह से हुए हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ये बैटल फील्ड में ही इनकी डेथ हो गई। इसके बाद जितने भी लोग देखेंगे आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कुंवर सिंह हो, चाहे वो अहमदुल्ला हो, ठीक है, वो सब क्या थे, धीरे धीरे 1859 तक उन सबकी डेथ
हो गई थी, ठीक है। तो यानी कि लास्ट में बाय द एंड ऑफ 1859 ऑल ओवर इंडिया में, मतलब कि जो भी ब्रिटिश इंडिया था, सारे जगहों पर ब्रिटिश का फुल कैप्चर हो जाता है। इस तरीके से 1857 का रिवोल्ट जो था वो समाप्त होता है और उसको सप्रेस कर लिया जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होगी एनालिटिकल टाइप की वीडियो होगी, उसमें हम देखेंगे कि रिवोल्ट अनसक्सेसफुल क्यों हुआ, उसमें देखेंगे कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, यानी कि रिवोल्ट होने की वजह से कौन कौन सी चीजें नई आई, उनका परिणाम क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, यानी इंपॉर्टेंस क्या था इस रिवोल्ट का। तो एक एनालिटिकल टाइप का होगा अगला वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।